हेलो फ्रेंड्स, आज न्यूमरोलॉजी पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने एक डेट ऑफ बर्थ है, 1 मार्च 1993, ठीक है, 1 मार्च 1993। अब इसका आप अगर मूलांक देखें, बर्थ नंबर तो 1 है, और टोटल डेस्टिनी नंबर अगर आप देखो तो कितना आएगा, पूरा आप सब सम कर लो, 1 + 3 + 1 = 93, तो कितना आएगा, 8। तो यहाँ पर आप देखो, 1 8, ये दो नंबर आए, 1 नंबर सन का है, 8 नंबर सैटर्न का है। और इस पूरी डेट ऑफ बर्थ में रिपीट क्या हुआ है, 3 3, ठीक है। तो 3 3 जो है जुपिटर का होता है, तो दो नंबर्स की रेपिटेशन है यहाँ पर, जो कि 3 नंबर है और 3 नंबर जुपिटर का होता है। तो जुपिटर आपका हो गया जो हायर लर्नड पर्सन होते हैं, ठीक है, जिससे हम कंसल्ट करते हैं, जिन लोगों से, जो कि गुरु होते हैं। तो ये जो हमारे जो डेट ऑफ बर्थ हमने ली है, वो अपने आप में जो है वो इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, 1, ठीक है, क्योंकि 3 3 है, जुपिटर है, सन है तो डोमिनेटिंग है, यानी सक्सेसफुल भी है, क्योंकि सन सक्सेसफुल होता है और डोमिनेट करता है। तो जो मूल अंक है, जो बर्थ नंबर है, वो 1 है, जो कि सन को डिनोट करता है, तो अच्छा है। ओवरऑल अगर आप देखो तो 8 है, 8 जो है वो एक्सट्रीम है, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छा है, नहीं अच्छा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम केस होता है, और 8 जो है वो अगर आप देखो तो सैटर्न का नंबर होता है, और ये थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड और स्लो, इसमें जो है वो स्पीड होती है। तो अब ये जो कैंडिडेट है, ये कैट एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता, ठीक है, और कैट के अलावा जो GRE है वो एग्ज़ाम पास नहीं करेगा, USA का एग्ज़ाम पास नहीं करेगा, जो कि वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन में होता है। तो जहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग की ज़रूरत होगी, जहाँ पर क्विक मैथमेटिकल सॉल्यूशंस की प्रॉब्लम्स का जो है वो होगा एग्जामिनेशन, वहाँ एक कैंडिडेट कभी भी पास नहीं होगा। या MCQ बेस्ड जो एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें स्पीड की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी ये कैंडिडेट पास नहीं होगा, क्योंकि 8 है, 8 में स्पीड नहीं होती है, ठीक है, स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। ये थिंकर्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं, बट ये जो है वो 100 मीटर स्प्रिंटिंग के नहीं होते हैं, ये मैराथन वाले होते हैं कैंडिडेट्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे हॉरोस्कोप देखते हैं न्यूमरोलॉजी से, और डेट ऑफ बर्थ से हम पता कर सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे किसी भी जो है वो जातक के या जातिका के। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये केस, आगे आने वाले टाइम में हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।